देश भर में प्याज की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच बिहार में लाखों रुपए के प्याज की चोरी हो गई। पटना के सोनारू इलाके में चोरों ने प्याज गोदाम का ताला तोड़ दिया और प्याज के 328 बोरी की चोरी कर ली। इस प्याज की कीमत करीब 8.5 लाख रुपए आंकी गई। इसके अलावा चोरों ने गोदाम में रखे 1.5 लाख रुपए पर भी हाथ साफ कर लिया। चोरी की ये वारदात सोमवार देर रात हुई। प्याज का ये गोदाम सुनसान इलाके में है, इस कारण चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और प्याज को ट्रक में लोड करके फरार हो गए। सुबह गोदाम के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची फंतुआ पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि देश में प्याज की कोई कमी नहीं है, राज्य से प्याज खरीदने को कहा गया है। दिल्ली और त्रिपुरा ने पहले ही प्याज खरीद लिया है। दिल्ली में 24 रुपए किलो प्याज बिकेगा। भले ही खाद्य मंत्री रामविलास पासवान प्याज की कमी की बात को नकार रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि देश में कई जगहों पर प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अहमदाबाद में प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। पिछले साल के सूखे और इस बार मानसून की देरी ने प्याज के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बार महाराष्ट्र के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर प्याज की फसल भी बर्बाद हो गई। नतीजा मंडियों में प्याज की सप्लाई कम हो गई और अब कीमतें खरीदारों को रुलाने लगी है।